नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सतीश प्रकाश गुप्ता, फाउंडर ऑफ सेंचुरी लॉ फर्म, आज आपको सिविल सूट यानी दीवानी मुकदमे के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। दीवानी मुकदमे क्या होते हैं, यह कैसे फाइल किए जाते हैं और इस केस की विभिन्न स्टेजेस क्या होती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं दीवानी मुकदमे क्या होते हैं। जर और जमीन से जुड़े मुकदमे यानी धन दौलत और जमीन जायदाद से जुड़े मुकदमे को सिविल सूट यानी दीवानी मुकदमे कहे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसे कैसे फाइल किया जाता है। दीवानी मुकदमे को फाइल करने के लिए आप किसी भी एडवोकेट की सहायता ले सकते हैं। इसमें तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहला होता है कॉज ऑफ एक्शन यानी कि मुकदमा डालने की वजह। हमारे इस प्लेंट में यानी इस मुकदमे में कॉज ऑफ एक्शन का स्पेसिफिक जिक्र जरूर होना चाहिए, यानी कि हमारी प्लेंट से यह पता चलना चाहिए कि मुकदमा डालने की कोई ठोस वजह थी, यानी हमारे किसी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट यानी हनन हुआ था। और सेकंड होता है कोर्ट फीस। जो मुकदमा सिविल सूट हम डाल रहे हैं इसमें जितने अमाउंट की हम क्लेम कर रहे हैं या जो प्रॉपर्टी हम क्लेम कर रहे हैं उसकी वैल्यू के आधार पे हमें कोर्ट फीस फाइल करनी होती है। यह कोर्ट फीस स्टेट वाइज अलग अलग होती है, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है। और दोस्तों तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज इसमें होती है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन के दो पार्ट होते हैं, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन और पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। दोस्तों टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से मतलब है कि कोज ऑफ एक्शन कहाँ पर हुआ या जो डिफेंडेंट है वो कहाँ पर रहता है। हम इसमें दोनों में से किसी एक जगह पर इसको टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन बनाकर वहां पर मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और दूसरा है पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन यानी कि मुकदमे की रकम कितनी है, जो हम क्लेम कर रहे हैं वह अमाउंट कितना है, उसके आधार पर किस जज के पास या किस कोर्ट में यह मुकदमा जाना चाहिए वह डिसाइड होता है। यदि हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सिविल जज की जो पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन 3 लाख रुपए तक की है। यदि सिविल सूट हमारा 3 लाख रुपए तक की वैल्यू का है तो हम उसे सिविल जज के पास फाइल करेंगे। और यदि हमारी पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन 2 करोड़ रुपए तक की है और 3 लाख से ऊपर है तो ऐसे मुकदमे को हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल करेंगे। और दोस्तों यदि हमारी क्लेम अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर है, और 2 करोड़ से ऊपर कितना भी ऊपर जा सकती है, ऐसे मुकदमे हम दिल्ली हाई कोर्ट में ही फाइल करेंगे। इसी के साथ मैं अब आपको बताता हूँ कि सिविल सूट की डिफरेंट स्टेजेस क्या होती हैं। सिविल सूट फाइल करने के बाद कोर्ट इस केस को कंसीडर करती है कि वेदर ऑल द कंप्लायंसेस हैज बीन कंप्लाइड और नॉट। यदि हमने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, ज्यूरिडिक्शन, कोज ऑफ एक्शन और कोर्ट फीस सही पाए जाते हैं तो कोर्ट इसमें समन इशू करती है डिफेंडेंट को यानी अपोजिट पार्टी को। सिविल सूट में अपोजिट पार्टी को डिफेंडेंट कहा जाता है। संबंध की सर्विस होने के बाद डिफेंडेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वह कोर्ट में अपियर हो या नहीं हो। यदि वह कोर्ट में अपियर नहीं होता है तो उस केस में उसको एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोर्ट ऐसे मुकदमों को एक्स पार्टी एविडेंस में लगा देती है। एक्स पार्टी एविडेंस में प्लेंटिफ अपने एविडेंस को फाइल करता है जो कि वे ऑफ एफिडेविट होते हैं। उसके बाद उस पे एक्स पार्टी आर्गुमेंट्स होते हैं और एक्स पार्टी आर्गुमेंट्स के बाद जजमेंट पास कर दी जाती है। यदि कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि प्लेंटिफ ने जो केस फाइल किया है, जो उसकी डिमांड है वो जायज है, तो वह केस डिक्री हो जाता है यानी कि प्लेंटिफ के फेवर में उसको अनाउंस कर दिया जाता है। दूसरी स्टेज की अगर हम बात करें यानी कि डिफेंडेंट संबंध की सर्विस होने के बाद कोर्ट में अपियर हो जाता है, लेकिन यहां भी अब 2 स्टेजेस आती हैं। डिफेंडेंट के अपियर होने के बाद वह अपनी रिटर्न स्टेटमेंट यानी रिप्लाई फाइल करता है या नहीं फाइल करता है। अगर वह अपने रिटर्न स्टेटमेंट या रिप्लाई फाइल नहीं करता है तो इस तरह के मुकदमे को अब प्लेंटिफ एविडेंस पे लगा दिया जाता है। प्लेंटिफ अपना एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट इसमें फाइल करता है और डिफेंडेंट उसको क्रॉस करता है। इसको क्रॉस एग्जामिन के बाद ऐसे मुकदमे डिफेंडेंट एविडेंस में लगा दिए जाते हैं जहां पर डिफेंडेंट अपना एफिडेविट फाइल करता है एफिडेविट फाइल करता है। इसके बाद प्लेंटिफ उसको क्रॉस करता है। ये दोनों के एविडेंस खत्म होने के बाद इस मुकदमे को
फाइनल आर्गुमेंट पे लगा दिया जाता है। फाइनल आर्गुमेंट के बाद जज साहब या ऑनरेबल कोर्ट उस मुकदमे का फैसला सुना देती है। जिसके फेवर में एविडेंस ज्यादा पाए जाते हैं या सही पाए जाते हैं उसके फेवर में ऐसे केस अलाउ हो जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन होता है कि डिफेंडेंट संबंध मिलने के बाद कोर्ट में अपियर हो गया, अपियर होने के बाद उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल कर दी यानी रिप्लाई भी फाइल कर दिया, तो ऐसे मुकदमों को कोर्ट उसके बाद उसके इश्यू फ्रेम करती है। इश्यू फ्रेम करने का मतलब होता है कि कोर्ट को क्या डिसाइड करना है, इसमें प्लेंटिफ की सारी रिक्वायरमेंट्स या जो उसकी डिमांड्स होती हैं वो ध्यान में रखी जाती है और डिफेंडेंट के सारे ऑब्जेक्शंस को ध्यान में रखा जाता है। डिफेंडेंट को अपने ऑब्जेक्शंस प्रूव करने होते हैं और प्लेंटिफ को अपना क्लेम प्रूव करना होता है। इसके बाद प्लेंटिफ एविडेंस में मैटर आता है। प्लेंटिफ अपनी एविडेंस बाई वे ऑफ एफिडेविट फाइल करता है जिसे डिफेंडेंट क्रॉस करता है और उसके बाद डिफेंडेंट अपना एविडेंस फाइल करता है जिसको प्लेंटिफ क्रॉस करता है। फिर दोनों के आर्गुमेंट्स होते हैं जिनको फाइनल आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है। फाइनल आर्गुमेंट्स में दोनों पार्टी अपना अपना पक्ष रखती हैं, अपने एग्जिबिट्स या अपने एविडेंस में जो फैक्ट सामने आए हैं वो जज साहब के सामने पेश करती है, उन्हें बताती है और फिर उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।